हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे किसी भी स्टेटर के अंदर जो है पेपर इंस्टॉल कैसे करें, किस तरह से उसका साइज निकालें। तो सेटअप बाय सेटअप हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा मोटर है, ओके, और इसके अंदर आप देख रहे हैं स्लॉट यानी कि खांचे, ओके। इसके अंदर हम पेपर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर का साइज़ निकालना आना चाहिए। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगा, पहला सेटअप यही है कि आपको पेपर का साइज़ निकालना है। तो पेपर का साइज़ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पेपर का टुकड़ा हम जो है स्लॉट के अंदर डाल के देखेंगे। किस तरह से डाल के देखेंगे, ये हमारी मोटर है और इसके स्लॉट हैं। इनके हम अंदर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ करके ऐसे मोड़ना है और इसके अंदर हम ऐसे इसमें डाल के देखते हैं। तो हमने इस पेपर को डाला, तो ये पेपर देखिए ऊपर की तरफ निकला हुआ। तो ये ऊपर की तरफ ना निकलना चाहिए, ये यहाँ तक रहना चाहिए, नीचे तक यहाँ तक रहना चाहिए, ओके। तो ये ऊपर निकल रहा है, तो हमने इसको ऐसे मोड़ के डाला था तो ये ऊपर निकल रहा है इससे। तो जो हिस्सा ऊपर निकल रहा है उसको हम काट लेते हैं। हमको पूरा पेपर एक साथ ज़्यादा नहीं काटना, थोड़ा थोड़ा करके काटना, नहीं तो ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। तो हम इसको दोबारा से एक बार डाल के देखते हैं। तो अब देखिए, अब भी पेपर ऊपर की तरफ निकल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसको फिर से डाल के देखते हैं। अब भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पेपर ऊपर की तरफ है। तो हमको थोड़ा थोड़ा पेपर काटना है। कई भाई ज़्यादा काट देते हैं, फिर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, पेपर ख़राब हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये पेपर जो है इस साइड से थोड़ा सा ऊंचा अब भी है। अब देखिए दोस्तों, ये पेपर परफेक्ट तरीके से इसमें बैठ चुका है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अंदर का साइज़ तो निकल गया, बाहर का साइज हमें लेना। बाहर का साइज निकालने के लिए आपको पेपर को इस साइड से पकड़कर मोड़ लेना है, ठीक है। इस साइड से पकड़कर मोड़ लेते पेपर को, हम किसी भी साइड मोड़ सकते हैं, फिल्म पेपर को किसी भी साइड मोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे कैंची की मदद से उल्टा करके इसको रगड़ लेते हैं। अब रगड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो पेपर का साइज, जो पेपर हमने मोड़ा था वो नीचे रखना है, ठीक है, वो जो फिनिश किया था ऊपर रखना है। अब इसमें बीच में अंगूठा देख के उसको ऐसे पकड़ लेना, ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। मोड़ के जो मोड़ा हुआ हिस्सा वो नीचे रहना चाहिए। अब हम इसके अंदर पेपर को डाल देते हैं, स्लॉट्स के अंदर पेपर को डाल देते हो। डालने के बाद इसको वापस से खींच लेते हैं। तो यहाँ से इसके टच हो जाना चाहिए इसके बॉडी से, इस तरह से देख सकते हैं। अब हमको क्या करना दोस्तों, ये जो फालतू का पेपर है इसको फालतू फालतू को काट लेना है, ठीक है। तो इस पेपर को हम वापस से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको पेपर सिर्फ उतना रखना है जितना इसके अंदर फिट बैठ जाए। तो हम इसको काट के अब डाल के देखते हैं एक बार। अभी पेपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फिर से डाल के देखते हैं। अभी पेपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फिर से डाल के देखते हैं, ठीक है। तो अभी पेपर का जो हिस्सा बचा हुआ है इसको हम मोड़ देते हैं सेम तरीके से, दोनों सिरे एक तरफ ही मोड़ने चाहिए। और इसको हम प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। अब इसको वापस से हम जो है डाल के देखते हैं। तो आप देखेंगे हमारा पेपर दोनों तरफ से परफेक्ट डला है, और ये इस तरह से हिलना भी नहीं चाहिए, बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, और अंदर से भी फिट हो चुका है। तो ये हमारा पेपर का साइज निकल गया। वीडियो देखिए थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन मेरा मकसद है आपको सिखाना। वीडियो का कोई लेना देना नहीं है भाई, छोटी आप बड़ी वीडियो में ही अच्छे से सीख सकेंगे, इसलिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इस पेपर को।
तो ये हमारा साइज तो इसका निकल गया, मेन चीज़ था ये, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया इसको बताने में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब इस तरह के आपको जितने स्लॉट उतने पेपर काट लेने, इस तरह से मोड़ के डालना। अब देखिए पेपर कई भाई गलती करते हैं काटते जब, तो आपको कैसे काटना है इकट्ठे, तो आपको ऐसा करना है, कोई पेपर ले लेना है, पेपर के ऊपर आप इसको रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे हमारा एक साइड का नहीं बनेगा, ऐसे रख देंगे तो हमारा डबल पेपर ये बन सकता है। किसी भी तरह से रख ले, पेन ले ले, पेन से ऐसे निशान लगा ले, ठीक है। पेन से जो है निशान लगा ले इसके ऊपर। अगर आप वैसे काटोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप निशान लगा ले, निशान से परफेक्ट कसेगा, साइज परफेक्ट रहेगा उसका, साइज पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये मेन चीज़ था। अब ये जो हमने जो निशान लगाए हैं ना, इनको एक फट्टे की मदद से जो है, फट्टा इस पे रख करके, या फुटा जो भी है आपके पास, कोई कुछ भी हो, सीधा होना चाहिए हो, और ऐसे इस पे निशान पार से पार आप लगा लीजिए, ठीक है। इस तरह से निशान उस पे लगा लीजिए, इस तरह से निशान आपको जो है उस पे जो मार्क है वो कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमने इस पे निशान लगा दिया है इस पेपर पे। अब इस पेपर को हम काट लेते हैं। देख सकते हैं हमने पेपर को काट लिया है। अब हमारे पास जो पेपर का जो हमने साइज निकाला था ना दोस्तों, इसको इसके ऊपर रखना है। हमने ऐसे रख के बनाया था, ऐसे इसके ऊपर रखा, ये रखा और ये काटा, एक पेपर हो गया, ठीक है। दूसरा रखा, दो पेपर हो गया, तीसरा रखा, ये रखा, तीन पेपर हो। इस तरह से आपको 24 काट लेने हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। फिर उनको सेम तरीके से मोड़ना है, जैसे इस पेपर को हमने मोड़ा था, ऐसे ही सभी को मोड़ मोड़ के डाल देना है उसमें, ठीक है। पकड़ा, इसमें मोड़ के डाल दिया, ठीक है। इनको भी सेम तरीके से फिनिश किया, प्रेस किया, ठीक है, और इसमें जो है डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम 24 के 24 पेपर काट करके इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे पेपर इसमें डाल लिए हैं, देख सकते हैं आप। ओके, तो आपको सभी पेपर सेम तरीके से डालने हैं।